हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल संगीता सिंह हेयर स्टाइल्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब हमसे की तरह अच्छे होंगे। सो आज मैं शेयर करने वाली हूँ, मैंने मीशो से करी है बहुत सारे ब्लाउज की शॉपिंग। सो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बिकॉज आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स होते हैं, आप लोगों को बहुत पसंद आते हैं मेरे ब्लाउज के कलेक्शन। तो मैंने जो शॉपिंग करी है मीशो से, उसके कोड भी आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन। स्टार्ट करते हैं एक ग्रीन ब्लाउज के साथ। ये भी काफी पसंद आए थे आप लोगों को, मैंने एक साड़ी के साथ वेयर किया था, बहुत ही प्यारा है। सीक्वेंस वर्क है, ऑल ओवर द सीक्वेंस का वर्क है, आप देख सकते हो। एंड जो इसका स्लीव्स है ना, वो कुछ इस तरह से स्लीव्स में भी लटकन लगे हुए हैं। एंड फ्रंट से इस ब्लाउज का डिजाइन कुछ इस तरह से था, हुक फ्रंट से लगे हुए हैं, पीछे का भी डिजाइन आप देख सकते हो। बहुत ही प्यारा ब्लाउज था, ओनली 365 में ये मुझे रिसीव हुआ था। पिक मिलती रहेगी तो मैं जरूर लगा दूंगी, शेयर कर दूंगी, काफी ज्यादा आप लोगों ने पसंद किया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं एक व्हाइट कलर के ब्लाउज की तरफ, जो कि मैंने मीशो से ही परचेज किया था। बहुत सारी साड़ियों के साथ ना नीड होती है व्हाइट कलर के ब्लाउज की। स्लीव्स आप देख सकते हो, गले का डिजाइन आप देख सकते हो, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। पीछे से ही हुक लगी हुई है, पैडेड ब्लाउज है ये, ओनली 318 का है, 318 रुपए के ब्लाउज है। काफी ज्यादा प्यारा लगा था मुझे, एंड मैंने तो बहुत सारे ब्लाउजों को वेयर भी कर रखा है। अगर मुझे पिक मिलती रही तो मैं वो भी शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। सारे कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, सो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें, एंड प्राइस भी मैं मेंशन कर दूंगी वहीं पे। सो बहुत ही प्यारा ब्लाउज है ये, है आज। नेक्स्ट बढ़ते हैं आज की थर्ड ब्लाउज की तरफ। तो ये भी है एक ग्रीन कलर का ब्लाउज, बहुत ही प्यारा लग रहा था जब मैंने इसे वेयर किया था। वेलवेट मटेरियल में है, बहुत ही प्यारा ब्लाउज है, आप देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा प्यारा ब्लाउज था ये। ये मुझे आई थिंक पड़ा था 385 समथिंग कुछ था इसका प्राइस। प्राइस एंड कोड मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। ग्रीन कलर का लिया था मैंने, एंड इसका जो हुक्स है ना, बटन्स हैं, वो सामने की तरफ से लगे हुए हैं। बहुत ही प्यारा लग रहा था जब मैंने इसे वेयर किया था। एंड आज सारे ब्लाउज तो नहीं दिखा पाऊंगी, हार्डली मैं 5 से 6 ब्लाउज के कलेक्शन दिखा पाऊंगी, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ब्लाउज की तरफ। एंड ये है एक पिंक कलर का ब्लाउज, एंड बहुत ही प्यारा है, बहुत ज़्यादा प्यारा है ये। इसे सिल्क साड़ी के साथ मैं इसे वेयर करूँगी, अभी तक मैंने इसे नहीं पहना है, एकदम न्यू रखा हुआ है। एंड आप इसमें ना बहुत ही प्यारे से जरी लगे हुए हैं, आप देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा मुझे पसंद आया था। काफ़ी सारे कलर ऑप्शन थे, बटन इसमें फ्रंट से ही है, इसमें बटन अभी तक मैंने इसे वेयर नहीं करा है। एंड आप इसका जो वर्क है ना, वो देख सकते हो, वर्क का जो डिटेलिंग है वो भी देख सकते हो, काफ़ी अच्छा एंड रीजनेबल प्राइस में मुझे रिसीव हुआ था। तो इसका प्राइस तो मुझे अभी याद नहीं है, बहुत पहले ही रिसीव हुआ है मुझे ये। एंड जो भी है मैं चेक करके जरूर डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, सो डिस्क्रिप्शन जरूर चेकआउट करिएगा। एंड एक ब्लाउज तो मैंने अभी तक इसे अनबॉक्सिंग भी नहीं किया, आपके सामने ही इसे खोलती हूँ, देखते हैं इसमें कैसा रिसीव हुआ है। ये भी अगेन पिंक कलर का ब्लाउज है, बहुत ही प्यारा है ये भी, दिखाती हूँ। ये कुछ इस तरह से है, नेट का मटेरियल है, पीछे से बटन है, पैडेड ब्लाउज है, बहुत ही बहुत ही प्यारा लगा मुझे। आपको कैसे लगे ये ब्लाउजेस के कलेक्शन, आप कमेंट डाउन जरूर करिएगा। एंड ये फुल नेट में ही है, पैडेड ब्लाउज है, एंड जो इसका बटन है ना, वो पीछे की तरफ से ही है। बहुत ही प्यारा लगा, बेबी पिंक कलर में है, बहुत सारे कलर ऑप्शन थे। एंड ये ना आई थिंक 295 या 80 में ही मुझे रिसीव हुआ है, सो प्राइस के हिसाब से मुझे बहुत ज्यादा अच्छे लगे। ब्लाउज कलेक्शन काफी प्यारे प्यारे हैं, मैंने तो जैसे जो ऑर्डर किया था वैसे ही रिसीव हुआ। कभी कभी डिफेक्टिव पीस भी रिसीव हो जाते हैं, बट मुझे अभी ब्लाउज कलेक्शन में तो बिल्कुल भी नहीं रिसीव हुआ है, जो मैंने देखा, जो कलर चूज किया वही रिसीव हुआ है, एंड किसी भी तरह का कोई डिफेक्ट नहीं निकला है। तो यही थे मेरे ब्लाउज के कलेक्शन जो मैंने परचेस करे थे मीशो से। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करिएगा, और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।